वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। आज मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को डॉक्टर के यहाँ दिखाने, जो कि नोएडा से आएंगे डॉक्टर, आनंद हॉस्पिटल में बैठते हैं। तो वो उनका टाइम है 9 से 11 बजे का, तो हम निकलते हैं फटाफट से और मैं बताऊंगी कि डॉक्टर ने क्या बताया है मेरी बेटी को। मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं वानी के हॉस्पिटल, देख सकते हैं आप आनंद हॉस्पिटल। चलो बेटा, तो अब हम दिखाएंगे, देखते हैं डॉक्टर साहब क्या बताएंगे। डॉक्टर राजेश कपूर जो नोएडा से आते हैं, आज उनको दिखाना है वानी को। चलो तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं आनंद हॉस्पिटल, हमने एंट्री कर ली है, देख सकते हैं आप। हाँ बेटा, चलो देखिए कितना प्यारा है। चलो तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं अंदर, अब हम पता करेंगे वहां पर बेटे का पर्चा बनेगा। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं वेट अपना नंबर आने का, 14वां नंबर है हमारा, तो देखते हैं मिलेंगे हम। यहाँ पर डॉक्टर साहब वानी के बारे में पूछ रहे हैं और उसके जो कागज़ हैं, जो रिपोर्ट्स थी हमारे पास, उनको सभी को देख रहे हैं और अब वानी को देखेंगे। अब वानी का चेकअप कर रहे हैं डॉक्टर साहब, फिर बताएंगे कि क्या होता है। फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं दवाई लेकर वानी की, डॉक्टर को दिखाया है जो डॉक्टर है राजेश कपूर सर, जो कि आते हैं नोएडा से और सिर्फ वो शनिवार को ही बैठते हैं आनंद हॉस्पिटल में मेरठ। और तो उन्होंने बताया है कि इस टाइम इसको अपेंडिक्स नहीं है, लेकिन पता नहीं कब हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अभी जब इसको दर्द होगा तभी इसका ऑपरेशन होगा, तो अभी फ़िलहाल दवाई दी है और बाद में पता चलेगा कि कितने टाइम बाद इसका ऑपरेशन होता है। तो आज का भी लोग यहीं पेंड करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं। सुबह निकल चुके थे 9 बजे से लेकर अब हमें 3:30 बजे घर पहुंचे हैं, तो सारा दिन थक गए हैं। तो प्लीज़ मेरे दोस्तों, मेरी बेटी के लिए दुआ करना कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और वो हो सके तो दवाइयों से ही ठीक हो जाए फ्रेंड्स। तो ओके, आज का ब्लॉग इतना ही। ओके, बाय, टेक केयर।